I don't want to cry, but I cannot stop myself because it hurts really bad, to be honest. Hey guys, welcome back to the channel. Past few days, पिछले कुछ दिनों में I was really down and I'm still very down mentally because some things have changed. क्या बताऊँ? Currently I'm not open to that conversation. छोड़ो. Let's leave that conversation. I don't want to bother myself currently with these things and thoughts. I just want to distract myself. और ठीक हो जाएगा सब, मुझे मालूम है. But to be honest, guys, I'm not really feeling well. I'm very overwhelmed. I'm really trying to pull myself up, but वही है ना, क्या करूँ यार, shit. मैंने कभी सोचा नहीं था मैं भी ऐसे कैमरे के सामने रोऊंगी, but वही, I just want to move on. I don't want to hold back. I choose to forgive and let go. That's what I am taught. I'm trying to distract myself from these things. So I picked up my phone and I started vlogging. नहीं तो क्या हो रहा है ना कि बार बार वही thought आ रहा है दिमाग में, पड़े हुए बैठ पे कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, हो नहीं रहा कुछ मेरे से. I've never felt such betrayal in my life. Journaling was also not helping me. Let's be positive. Thank you Jesus for everything that's happening to me. Thank you for being there for me. Man, I don't wanna cry, but I cannot stop myself. These all are bullshit. This is, you shouldn't cry, Varsha. This is not good. Maaf kar de, aage badh ja, nothing else. Don't let it affect your life. This is not, you should focus on. What bhi kaam hai bhai, goals hai jo achieve karna hai hame. Kisko kya bura lag raha hai soch ke thodi baithe rahenge, apne liye aage badhna hai. Aur nahi to kya. एक चीज़ अच्छी हो रही है अभी के टाइम पे, क्या बोलते हैं, मैंने जो पिछला वीडियो डाला है वो बहुत अच्छा चल रहा है. एकदम से जब मैं वीडियो डालती हूँ तो इतने व्यूज़ नहीं आते जितने अभी इसमें आए हैं. एंड आई एम ग्लैड, दैट्स द मोटिवेशन, लेट्स कीप गोइंग. एज इट्स वीकेंड, मुझे आज खाना बनाना है घर पे. व्हाई नॉट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ बाई मेकिंग फूड. फूड, खाना बनाना बहुत थेरेप्यूटिक होता है वैसे. पहले तो मेरे को पौधे में पानी डालना है. Brother, ew. I still don't grow shit, man. What's that? ये है हिबिस्किस का वो पौधा जो मम्मी का भी उगा है. समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं लंच के लिए, और डिनर के लिए भी मुझे बनाना है. आई थॉट वीकेंड में स्किन केयर करूं, बट आज नहीं हो पाएगा, कल करूंगी. मेरे दिमाग में अभी ख्याल आया कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे रील्स में आजकल ऐसे जाके पूछते नहीं है, बेबी व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर टुडे, वैसे जाके अपने भाई से पूछो क्या खाना चाहता है. आपको है ना, समझ पाते. क्रिस्टी, व्हाट डू यू वांट टू ईट फॉर टुडे? ब्रदर, अबे चलना यार. क्या खाएगा लंच में? क्या खाएगा बताना, ये तो बताना क्या खाएगा. मैं जो बोलूंगा जैसे तू बना देगी. ओ जाके बना, जो कुछ भी बना सकती है. तो कुछ बनाना तो आता है. मुझे आइडिया ही नहीं आ. इसका कोई पार्सल आया, सो ही इज गोना अनबॉक्स. रोनाल्डो, अबे जा ही ले गया, थोड़ा आराम से कर ब्रदर. व्हाट्स दैट ब्रदर? कलर अच्छा लग रहा है बेचे. ये तो टपाना पड़ेगा. ओ अच्छी भाई, देखा आपने लापरवाही का नतीजा. ये आबिबास के जर्सी ली है इसने. अबे इसमें आबिबास लिखा हुआ सही में. साइक. मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आलू की सब्जी बनाऊंगी. तो बहुत बहुत बुरा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ. आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट मेंटल हेल्थ के बारे में बात करूं, क्योंकि मैंने कभी बात नहीं करा तो मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं आप लोगों को.
पीपल डज अफेक्ट, स्पेशली पीपल जो आपके बहुत क्लोज बन के नाटक करते फिर पीठ में ये ऐसे फेंक देते। ओके सब तैयार है सब्जी अब। The gravy is done, बन गया है। Hey guys, I want someone, किसी को दिल खोल के बात करने के लिए about the current situation because it hurts really bad to be honest. कैसे होते हैं यार लोग, एक पल के लिए तुम उनके सगे होते हो, दूसरे पल में वो तुम पहचानते भी नहीं है, ऐसा करते हैं। आज थोड़ा ढीला ढीला है, टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही। I just took a shower. तो मैंने नहाना धोना कर लिया है। I'm about to do my skin care. और अभी मैं देख रही हूँ कोबरा काई। I'm in third season, fifth episode. Hey guys, welcome back to another day. So I made breakfast. मैंने बनाया ये French toast. इसका रेसिपी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी है। सो इसमें बस अंडा मिला लो एक या दो, दूध, फिर वैनिला एसेंस और चीनी, बस बीट करो उसको और उसमें ब्रेड डिप करके छस छस बना लो, हो गया। वेरी इजी एंड वेरी नाइस। कल मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं करा क्योंकि कल मेरा मूड नहीं बन रहा। प्लीज़ बेयर विथ मी इफ दिस व्लॉग इज नॉट गुड, आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर द फूड, थैंक यू फॉर गुड। ज़्यादा मीठा भी नहीं है, मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद। आज का ज्यादा कुछ प्लान नहीं है वैसे, बट अभी मुझे 12:30 बजे कहीं जाना है। Hey guys, so this is what I'm wearing. मैं आपको भी बाद में दिखाती हूँ, पहले let's get ready. सो एम डन, बस इतना सा ही करना था मेकअप। बाल तो मेरे गीले हैं, सो आई डोंट थिंक आई एम गोना स्टाइल दिस हेयर। बेबी इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, कर्ली कर्ली खुद ही हो जाएगा, तो खुद ही स्टाइल कर लेगा। ओके, आई जस्ट गो विद दिस हेयर स्टाइल, बहुत सिंपल है। कुड यूज दिस वन, दिस इज माई पूरा आउटफिट। वेयरिंग दिस कुर्ता, मेरी माँ लाई थी मेरे लिए। लेट्स गो, बाहर इतनी गर्मी हो रही है कि मेरे बाल ऐसे ही सूख जाएंगे अभी 2 मिनट के अंदर। I'm gonna wear this watch. ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था, आई होप यू रिमेम्बर। Yeah, now it looks good. Guys, I am back. Currently, अभी मैं अपना रूम साफ करने जा रही हूँ। You guys might be thinking that जब भी सारे ब्लॉग में बस साफ सफाई सफाई सफाई, मेरा रूम जल्दी गंदा हो जाता है, तो हर हफ्ते सफाई तो करना ही पड़ता है।
is all nice and clean now. I'm having my coffee. So this is my journal, practice journal. इसमें मैं अपने हफ्ते का ट्रेनिंग का और डेली का ट्रेनिंग का लिखती रहती हूँ. मंथ, वीक और वो डे. कल के नेक्स्ट, अब जो अपकमिंग वीक है, दैट इज फ्रॉम टुमारो. Hey guys, I'm cooking chicken. सारा सामान भी रेडी कर लिया मैंने. चिकन बनाने जा रही हूँ रात के लिए. Set. अभी चिकन पक रहा है, इट्स डन ऑलमोस्ट, बस पक रहा है वो. टाइम में मैंने बस अपना फ्रेंच टोस्ट बना लिया सुबह का ही. बैटर बचा हुआ था तो मैंने सोचा आज ही बना के खत्म कर लूं, क्योंकि कल से मैं नो शुगर चैलेंज 30 डेज का लेने वाली हूँ. तो मैं शुगर बिल्कुल नहीं खाऊंगी 30 दिन के लिए. मुझे वैसे भी शुगर अवॉइड करना है. वैसे भी मैं चाय कॉफी पीती हूँ तो चीनी बिना डाल के ही पीती हूँ, और मुझे आदत हो चुकी है अब उस चीज की, तो इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए. ऑल्सो मेंटल हेल्थ अपडेट. अब मेरे को लाइक आई एम ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दोज वर द वर्स्ट मोमेंट्स दैट आई एवर हैड इन माई लाइफ. दोस्तों से धोखा मिलना इज समथिंग दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड. आई चूज माई ग्रोथ. यस, दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी. और उसमें जिनको सपोर्ट करना है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं करना है, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी. लाइफ में ऐसी चीजें होती रहती. मुझे इसलिए इतना दुख हुआ था क्योंकि एक अटैचमेंट था, उसके बाद वो अटैचमेंट एकदम से एक धोखा जैसा मिलना, वो बर्दाश्त नहीं हुआ. तो वही था बस. अभी भी सोचते तो बहुत दुख जैसा लगता है, पर अब तो रोना नहीं आता. एक बार रो के खत्म हो गया, इसलिए बार बार ऐसे रोना वाला नहीं आता. एक बार दिल का भड़ास निकाल के रो लिया था, उसी में ही हो जाता है. और एकदम जोन आउट हो जाती हूँ जब सोचती हूँ कि ऐसा करा है. दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.